नमस्कार, मैं रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी से, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जबलपुर अस्पताल संघ और जबलपुर चर्म रोग संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी सबसे पहला मेरा सवाल है कि स्किन डिजीज को लेकर काफी पेशेंट्स आपके पास आते ही होंगे, तो मोस्टली किस तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं? देखिए मैम, ये सवाल का अगर मैं पूरा जवाब देना चाहूंगा तो आपका पूरा इंटरव्यू का समय खर्च हो जाएगा। तो मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ कि कॉमन प्रॉब्लम्स लेके इन दिनों हमारे पास कौन से लोग आते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन है, जिनको हम टीनिया बोलते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, हिंदी में दाग बोलते हैं, दाग खाज खुजली बोलते हैं। इसमें सबसे गंभीर बात क्या है कि मरीज डॉक्टर के पास आने के पहले कोई दवाई की दुकान से या कोई जालन लोशन या बीटेक्स मलम या बेटनोवेट सी, क्लोवेट जीएम इस तरीके के ऑइंटमेंट लगाता है, जिसमें या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो चमड़ी को पतला कर देता है और इन्फेक्शन को और नीचे घुसा देता है। आदमी को लगता है इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट वो भीतर अंदर घुस जाता है और या चमड़ी को जला देता है। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन पहले हम डर्मेटोलॉजिस्ट हफ्ते 10 दिन में ठीक कर लेते थे, अब हमें ठीक करने में 6 हफ्ते, 2 महीने, कई बार 3-3 महीने भी लग जाते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल सभी हेल्दी ग्लोइंग स्किन पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो इसके लिए क्या रीजन होना चाहिए? देखिए, हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं हमेशा बताता हूँ कि जो स्किन हमारा स्किन है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और रिफ्लेक्शन है हमारी जनरल हेल्थ का। तो यदि आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद, 1 घंटे की एक्सरसाइज, जिसमें मैं योगा को प्रेफरेंस देता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग को प्रेफरेंस देता हूँ, हर खाने के पहले हरी सब्जी की एक सैलेड और हर खाने के बाद एक फल, कोई महंगा फल नहीं, एप्पल केला जो भी आपको सूट करता है, प्रॉपर क्वांटिटीज में पानी पीना और सनस्क्रीन का, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर का नियमित प्रयोग करना, इससे आपका स्किन ग्लोइंग रेडिएंट जैसा आप चाहते हैं रह सकता है। बिल्कुल, आपने जैसा कि सनस्क्रीन की बात की है तो मैं वही आ रही हूँ कि सनस्क्रीन कितना इफेक्टिव है और क्या इससे पूरी तरह बचाव होता है या फिर कुछ परसेंटेज के? देखिए मैडम, ये बहुत बढ़िया सवाल है। सनस्क्रीन से ज्यादा कारगर और इफेक्टिव डर्मेटोलॉजी में मैं बोलूंगा और कुछ भी नहीं है। सनस्क्रीन में आप दो बातें समझिए, एक होता है एसपीएफ फैक्टर, एक होता है पीए फैक्टर एंड बूस्ट स्टार रेडिंग। एसपीएफ का मतलब होता है दो किस्म की रेज़ है, यूवीए और यूवीबी। हमारी टैनिंग जो होती है वो एसपीएफ फैक्टर नहीं रोकता है, एसपीएफ फैक्टर रेडनेस के फैक्टर को रोकता है। तो इंडियन स्किन में एसपीएफ 30 भी काफी है। एसपीएफ 30 लगभग मानिए 95-97% यूवी रेज को रोकता है, और आप एसपीएफ 50 में चले जाओ तो सिर्फ 2-2.5% का फर्क आता है। 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता, बट अबव 95% कोई भी प्रॉपर एसपीएफ क्रीम सनरेज को रोकता है, कौन सी, रेडनेस जो एक्जिमा पैदा करती है। बट अगर पीए 3+ है और बूस्टर रेटिंग 4 के अबव है, तब जाके वो उन यूवी रेज को रोकेगा जो कालापन पैदा करता है, जिससे हम इंडियंस को मेनली प्रॉब्लम है। हम कॉकेशियन अंग्रेज नहीं है, हमारा फिक्स पैटर्न स्किन टाइप 3-5 के बीच में है, तो हमको धूप के से जो हम काले होते हैं उससे प्रॉब्लम है। उसके लिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब सनस्क्रीन, जिसमें एसपीएफ केवल एक बात नहीं होती, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है, और वो मौसम के हिसाब से भी होता है। जैसे अभी बरसात के मौसम में सनस्क्रीन और ज्यादा जरूरी है। आधे ज्यादा लोगों को लगता है कि धूप कम है, बादल है, बादल से यूवी रेज नहीं रुकती, कई बार ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके हमारे पास पहुंचती है। तो यदि बादल भी होगा तो सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। आजकल इवन जो आपकी एलईडी लाइट्स है, जैसे अभी हम ब्राइट लाइट्स के बीच में बैठे हैं, इससे भी यूवी रेडिएशन आ रहा है, इससे भी बचाव के लिए कई बार सनस्क्रीन कारगर साबित होता है। यानी मौसम कोई भी हो सनस्क्रीन यूज करना ही है। ये बताइए कि रिंकल्स और फाइन लाइंस को कैसे रोका जा सकता है या इस प्रोसेस को स्लो कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, आपने जो सवाल पूछा ग्लोइंग स्किन का सेम है, वो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, दिनचर्या से बहुत फर्क पड़ता है। बट रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए आजकल हमारे पास लेजर्स और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गई हैं। मैं बोटॉक्स फिलर्स और थ्रेड सिर्फ उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ, आगे अगर आप पूछेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा, जिनको अपने चेहरे को पूरे टाइम प्रेजेंटेबल रखना है। जैसे आप एंकर्स हैं या मॉडल्स हैं या टीवी एक्टर्स हैं, दे रिक्वायर बोटॉक्स इन जगह, अगर उनको जवान दिखना है। जैसे आपके सामने आमिर खान का एग्जांपल है, उनको पीके मूवी में जब यंग दिखना था तो उन्होंने बोटॉक्स और फिलर्स यूज किए, बाद में उनको दंगल में जब ओल्ड दिखना था तो उन्होंने मेकअप यूज किया। बट नॉर्मल आदमी के लिए मैं नहीं समझता कि बोटॉक्स और फिलर इतना ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस से, पीआरपी से, लेजर से हम उसके फाइन लाइन एंड रिंकल्स को कम कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। सनस्क्रीन इसमें भी बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन एजिंग को बहुत हद तक कम कर सकता है, मल्टीविटामिंस बहुत हद तक कम कर सकते हैं, सही मात्रा में पानी लेना। बिल्कुल, अभी जैसा आपने बताया बोटेक्स, फिलर और थ्रेड्स, इनमें अंतर क्या है?
मैं देखिए बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो आपकी फाइन लाइंस को टेम्परेरली रिड्यूस करता है। बोटॉक्स का असर 3 से 4 महीने रहता है, कई बार 6 महीने तक भी लोग क्लेम करते हैं, बट बोटॉक्स की धीरे धीरे डोज डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। बोटॉक्स लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, विदेशों में तो इसको नर्सेस भी लगाती हैं। फिलर इज हार्लोनिक एसिड फिलर, तो जहां पे कोलेजन डिप्लीशन हुआ है, जहां पे हमारा स्किन सैगिंग है, जहां हमारे स्किन को फिलिंग और थोड़ी लिफ्टिंग की जरूरत है, वहां हार्लोनिक एसिड फिलर यूज करते हैं। अगर जस्टिफाइड वे में हम करेंगे तो इसमें कोई खराबी नहीं है, बट लोगों को उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। जैसे ही इनका असर खत्म होने लगता है आदमी डिप्रेस महसूस करता है। अच्छे फिलर और बोटॉक्स महंगा इलाज है, एक सेटिंग 1-1.5 लाख तक जा सकती है, जो 6 महीने में फिर से कराना पड़ेगा। तो अगर मरीज इन सारी चीजों के लिए तैयार है तभी नैतिक तौर पे एथिकल तौर पे हमें उसको बोटॉक्स या फिलर लगाना चाहिए। थ्रेड जो पहले हम पेट में टाके लगाते थे, सूचर यूज करते थे, PLLA और PDA थ्रेड्स वाइटल जैसे, इनको जब हम आपके चेहरे में बिना कोई ऑपरेशन के नॉन सर्जिकल फेस क्लिप बोलते हैं, इनको हम एक नीडल के माध्यम से यहाँ से यहाँ तक ऐसा इंजेक्ट करते हैं और फिर चेहरे को खींचते हैं, क्योंकि उसमें कॉक्स रहते हैं, इस तरीके के कांटे रहते हैं जो चेहरे को खींचने के काम में आते हैं। इनका असर 1.5 से 2 साल तक चलता है। थ्रेड्स एंटी एजिंग का सबसे लेटेस्ट टेक्निक है कॉक थ्रेड, जिनको हम बोलते हैं। इसको फेस लिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं, ये फिलिंग के लिए नहीं है, ये झुर्रियां हटाने के लिए नहीं, ये लिफ्टिंग के लिए। हाँ, बट जब फेस लिफ्ट होता है तो थोड़ी झुर्रियां ऑटोमेटिकली इससे कम हो जाती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट भी होंगे? हाँ, देखिए जहां अपन बात करते हैं, फिर आपने साइड इफेक्ट पूछा, चाहे तीनों चारों के अलग अलग बताने पड़ेंगे। बोटॉक्स के बिल्कुल है लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। गलत मात्रा में लगा दें तो लिटोसिस भी हो सकता है, कोई जो आपकी मसल है वो ज्यादा पैरालाइज हो सकती है, ज्यादा दिक्कत में आ सकती है। फिलर गलत आदमी से लगाने से 1% केसेस में ब्लाइंडनेस हुई है कि नोज में किसी ने फिलर लगाया जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं था, प्लास्टिक सर्जरी नहीं, तो आदमी परमानेंटली अंधा हो गया। तो फिलर्स के भी बहुत डेविस्टेटिंग साइड इफेक्ट्स हैं। थ्रेड का एक ही साइड इफेक्ट है, अगर किसी को लगाते हुए अंधा हो, नर्व डैमेज करा दे तो टिंगलिंग सेंसेशन और नर्व डैमेज उससे हो सकता है। ये इन तीनों के साइड इफेक्ट है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं? देखिए मैडम, घरेलू नुस्खों के हमें कोई, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, जो घरेलू नुस्खे हमारे दादा दादी नाना नानी बताते हैं, कई बड़े अच्छे भी रहते थे, जैसे मोर फरजाएं घी लगाते थे, ये हम भी अभी बोलते हैं, बट धीरे 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 लोगों ने, जब से ये यूट्यूब इंस्टाग्राम आया है, घरेलू नुस्खों के नाम तो कुछ भी करना चालू कर दिया है। तो हमारे मरीज हमारे पास नींबू का रस लगा लिया, किस कॉन्सेंट्रेशन में लगाया, कैसे लगाया, प्याज का रस बाद में लगा लिया, चेहरा जला के पहुंच रहे हैं, चूना और टूथपेस्ट मिला के लगा लिया एक्ने पिंपल के लिए, पूरा यहाँ इतना बड़ा गड्ढा हो गया जिसको लेजर कई बार ऑपरेशन भी करके हमें स्कार रिविजन करना पड़ता है, तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। घरेलू उसके आप किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें कौन से ठीक है, उनको करें, कुछ भी करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। बिल्कुल। फिर अगला सवाल आपसे है व्हाइट स्पॉट को लेकर कि क्या ये क्यूरेबल है, मतलब अगर एक बार हो गए तो क्या इन्हें रोका जा सकता है या इन्हें पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है? मैं इस सवाल में थोड़ा सा समय चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही मेरे दिल के करीब सवाल है। व्हाइट स्पॉट्स को हम विटिलिगो भी कहते हैं या ल्यूकोडर्मा कई लोग कहते हैं। जो भी मेरे से पूछता है इसका इलाज संभव है क्या, तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि मेडिकल साइंस में जब हम कोई चीज को जड़ से मारते हैं एक आम भाषा में, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे मलेरिया का रेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद प्लाज्मोडियम वायरस आपकी बॉडी में नहीं बचता, बट क्या आप जंगल में वापस जाएंगे और मच्छर आपको काटेगा तो फिर से मलेरिया आपको नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। कोरोना की आपने वैक्सीनेशन लगाई, आपने इलाज लिया, फिर भी करोना फिर से हुआ, अगर वही गलती आपसे हुई तो। विटिलिगो बिल्कुल ट्रीटेबल है, क्योर एक गलत वर्ड है, जब व्यक्ति स्ट्रेस में जाएगा या व्यक्ति कुछ ऐसी गलत किस्म की दवाइयां ले लेगा या कुछ इस तरीके से अपने इंटरनल मिलियू को बिगाड़ेगा तो विटिलिगो वापस आ सकता है, बट हाँ विटिलिगो ट्रीटेबल है, ये बिल्कुल फैलने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लग सकती, अनुवांशिक है, जेनेटिक है, और इसकी वजह से जो खासकर लड़कियों को हम लोग अपने क्लिनिक में देखते हैं, हीन भावना का सामना करना पड़ता है कि लड़की को विटिलिगो है तो उसकी शादी नहीं हो रही, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं 46 कंट्रीज घूम चुका हूँ, वहां विटिलिगो मॉडल्स होते हैं, आप लोग गूगल करिए कोई भी विटिलिगो मॉडल्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनके चेहरे पे या हाथ पे विटिलिगो है उन मॉडल्स को मिलते हैं, बिकॉज वो स्पेशल है। तो कोई भी विटिलिगो के पेशेंट को हम रोगी के तौर पर ना देखें, ये एक डिसऑर्डर है जो बिल्कुल ट्रीटेबल है, और यदि कोई छोटे मानसिकता का व्यक्ति विटिलिगो की वजह से लड़का या लड़की को रिजेक्ट कर रहा है तो आपको उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देना चाहिए, बट इसमें झोला छाप और क्वैकरी का बहुत बड़ा रोल है। प्लीज इसको कहीं उल्टी सीधी जगह अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीट नहीं कराएं, एलोपैथी में इसका इलाज है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपको इसका ट्रीटमेंट और इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। इसके रीजंस क्या है, होता क्यों है, मतलब हेरिडिटी ही
जैसा मैंने बताया इट इज अ मिक्स ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एंड जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस के थ्रू लगाते हैं या हार्मोनल चेंजेस या यूरिन प्यूबर्टी ये हो सकता है ये इसके केमिकल फिनोमेनन होता है चोट लगने के बाद वहां पे विटिलिगो आना ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से विटिलिगो बॉडी में आ सकता है बट आ जाए तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई इसका इलाज उपचार बिल्कुल संभव है इसके ऊपर अलग डिपार्टमेंट्स हैं किताबें हैं इसके ऊपर नए लेजर्स आ चुके हैं एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ चुके हैं बल्ब आ चुके हैं इससे डरना नहीं है इससे लड़ना है उसकी इससे लड़के इससे जीत संभव है बिल्कुल अनवांटेड हेयर्स को लेकर जो लेजर टेक्निक आजकल कितनी कारगर है देखिए अगर हम लेजर्स की बात करें तो अनवांटेड हेयर जिसको लेजर हेयर रिडक्शन LHR कहते हैं हम ये सबसे ज्यादा कॉमन इंडिकेशन है किसी का भी लेजर लेने के लिए मोस्टली इसमें फीमेल फेशियल हेयर रिडक्शन इज द मोस्ट कॉमन बाकी फीमेल बॉडी हेयर रिडक्शन भी होता है हमें इसके पहले कारण जानना चाहिए कि किसी के चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं क्या वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है या हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से कुछ ट्यूमर्स हैं जिनकी वजह से भी चेहरे पे बाल आते हैं तो अंडरलाइन डिजीज को यदि हम पहचानने के बाद ये इलाज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं पहले सिंगल वेवलेंथ डायोड आई थी अब ट्रिपल वेवलेंथ डायोड आ रही है जिसमें तीनों वेवलेंथ हैं जो बाल की जड़ से लेकर शाफ्ट को पूरे को टारगेट करते हैं ट्रिपल वेवलेंथ USFDA अप्रूव्ड डायोड अगर डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट खुद लेजर कर रहा है तो इससे अच्छी लेजर इससे अच्छा इंडिकेशन लेजर्स के लिए और कोई नहीं है इससे अप टू 80-90% हेयर रिडक्शन हमें देखने में मिलता है कई मेल्स भी बियर्ड शेविंग कराते हैं उनको मेंटेनेंस सेटिंग लेनी पड़ती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनना बंद नहीं होता तो नए बाल आना बंद नहीं होते फीमेल्स में अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो नए बाल नहीं आएंगे और उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिल्कुल मेरा अगला सवाल है कि किस तरह से स्किन ट्रीटमेंट डिफरेंट है जबलपुर को ले लें या इंटरनेशनली देखिए मैम जैसा मैंने बताया मैं 46 कंट्रीज हुआ और हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि जबलपुर की रिसर्च और शोध को हम पबमेड इंडेक्स मतलब इंटरनेशनली अक्लेम जर्नल्स में पब्लिश करें अभी मैं आपको बता सकता हूं कि जबलपुर के सारे लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करके USFDA अप्रूव्ड अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त लेजर्स पे ही काम कर रहे हैं तो अभी जो आपको जबलपुर में मिल रहा है वही आपको महानगरों में मिल रहा है और वही आपको इंटरनेशनली मिल रहा है कुछ चीजों को छोड़ दें जो इतनी अनअफोर्डेबल है कुछ लेजर्स है 5.5 crore की लेजर्स जिनको हम इस शहर में लाके उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं ला सकते पल्स डाइड लेजर्स हैं सॉलिड स्टेट एक्साइमर्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारे लेजर्स आपके पास वेरियस क्लिनिक्स में जबलपुर में अवेलेबल है देयर इज नो प्रॉब्लम ओके ये बताइए बड़ा नॉर्मल सा सवाल लेकिन लोगों के लिए बहुत खास है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट होता कौन है देखिए मैम ये आपका इसलिए सबसे अच्छा सवाल है मेरे को अभी राष्ट्रीय तौर पे इसी काम के लिए सम्मानित किया गया है पहले एक व्यक्ति 12वीं के बाद MBBS करता है जो 5.5 साल का कोर्स है कई बार 6 साल भी हो जाते करते करते उसके बाद 2 या 3 साल का डिप्लोमा 3 साल की डिग्री करता है सिर्फ स्किन में मतलब उस दौरान उसने सिर्फ स्किन की पढ़ाई करी है उसके बाद कई फेलोशिप्स करने के बाद उसको स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की उपाधि मिलती है इन दिनों प्रचलन चालू हुआ है कई झोला छाप अनक्वालिफाइड डॉक्टर सीधे अपने आप को स्किन स्पेशलिस्ट बुलाने लगते हैं स्किन स्पेशलिस्ट का टैग लगा लेते हैं जब हमने इनको नोटिस दिया इनके खिलाफ काम किया एंटी क्वैकरी या झोला छापों के अगेंस्ट तो इन लोग या तो क्लिनिक बंद करके भाग जाते हैं या बोलते हैं हम तो ब्यूटी पार्लर जैसा काम कर रहे थे हम डर्मेटोलॉजिस्ट जैसा काम नहीं कर रहे थे कई इसमें BMS भी लोग थे BHMS भी लोग थे जो गलत कई डेंटिस्ट भी थे जो गलत तरीके से अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी हमको इसमें जो जबलपुर IDA डेंटिस्ट एसोसिएशन का भी बहुत सहयोग मिला कि उन्होंने माना कि नहीं स्किन अलग है डेंटिस्ट्री अलग है बाकी भी हमें सारे लोगों को हमारे CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा सर और डॉक्टर आदर्श विश्नोई का बहुत सहयोग मिला और हम जबलपुर से इस बीमारी को जो कि झोला छाप लोगों की स्किन स्पेशलिस्ट बनने की धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट की डिग्री देखें उसका रजिस्ट्रेशन देखें फिर उसके पास जाएं बिल्कुल एक और मेरा सवाल बड़ा कॉमन है लोगों में अक्सर डर होता है कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद अगर हम धूप में चले गए तो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं तो ये के कहां तक चलेगा मैडम ये जो सवाल का जवाब है इसका मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर देना चाहूंगा फिर उसके अच्छी बात पे आऊंगा कि डर का सबसे मेन कारण हर चीज में है चाइना तो यहाँ भी डर का कारण चाइना है चाइनीज लेजर जो नॉन कैलिब्रेटेड रहती हैं जो नॉन कैलिब्रेटेड मतलब जब हम अपनी USFDA अप्रूव लेजर ऑन करते हैं तो वो इंटरनल टेस्ट करके अगर सारी चीजें सारे उसके वो सही रहते हैं मापदंड तभी हमको यूज करने देती है चाइनीज लेजर में मान लीजिए हम 10 फ्लूएंस की एनर्जी डेंसिटी देना चाह रहे हैं 10 जा रही है 8 जा रही है 12 जा रही है हमें कुछ नहीं मालूम इसीलिए
घटिया चाइनीज लेजर से और नॉन डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब लेजर यूज की तब लोगों की स्किन जल गए, जलने के कारण ये धारणा बनी। अदरवाइज लेजर से ज्यादा सेफ दुनिया में कुछ नहीं है। रीजन इज लेजर इज लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब इस कमरे में अगर ये टेबल के रंग को, काले रंग को या किसी भी एक रंग को हमें टारगेट करना है, बाकी किसी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना, तो वो लेजर से संभव है। जब लेजर सिर्फ अपने, जैसे अगर लेजर को चेहरे के बाल को हटाना, सिर्फ बाल को टारगेट करेगी और बाकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जिसको सिलेक्टिव फोटो थर्मोलिसिस बोलते हैं। सो इस तरीके से लेजर से ज्यादा सेफ कुछ नहीं है। हाँ, बट गलत लेजर, चाइनीज लेजर और गलत हाथों में बहुत खराब। जी बिल्कुल। स्किन ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली होता है, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैडम, बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। ये नहीं कि स्किन ट्रीटमेंट कॉस्टली है, ज्यादा अच्छी बात ये है कि हमारे स्किन के कुछ प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं। एमआरपीस हम डॉक्टर्स कंट्रोल नहीं करते, बट एट द सेम टाइम मार्केट में बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो हमारे जैसे जो एथिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, हमारी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड रहती हैं और 3 से 4 ऑप्शन हम अपने मरीजों को देते हैं कि आप अगर फेस वॉश है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है, अगर आप सनस्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है। तो यदि सही दवाइयाँ लिखी जाए और ऐसी दवाइयाँ लिखी जाए जिनके फॉर्मूले क्लियर हो, तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसका सस्ता सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जो मरीज के पास पैसे की कमी है उसका भी इलाज किया जा सकता है। बट हम, जैसे हम अपने क्लिनिक में मरीज को बोलते हैं कि यदि आपको दवाइयों के कॉस्ट से कोई तकलीफ हो तो कम बैक टू अस, हमें वापस बताएं, फिर हम हो सकता है अपना तरीका ट्रीट करने का आपको चेंज कर दें, उसको और इकोनॉमिकल बना दें, तो वो बिल्कुल संभव है। मेडिकल कॉलेज में भी स्किन का डिपार्टमेंट है जहाँ रोज 200-300 महीने में हजारों मरीज देखे जाते हैं, उनका भी इलाज होता है। और टॉप ऑफ द, इसमें इसलिए ये भ्रांति आई क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट आजकल रईसों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, तो वो उल्टा आके हमको बोलते हैं कि आपने इतना सस्ता सनस्क्रीन लिख दिया, डॉक्टर साहब आप कुछ हमको अच्छा महंगा लिख के दीजिए, तो इसलिए ये भ्रांति है। दोनों स्पेक्ट्रम में सस्ती मेडिसिन भी है, महंगी भी है, डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट हम आपको वैसी दवाई दे सकते हैं। ओके, ये बताइए कि बारिश के मौसम में स्किन और हेयर के लिए क्या केयर हमें लेनी चाहिए? देखिए मैम, बारिश के मौसम में पहले अपन स्किन की बात कर लेते हैं, तो स्किन में हमें अच्छा फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज यू नो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, चिपचिपापन बढ़ जाता है, तो आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज करना चाहिए। फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लाइट होना चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी और चिपचिपाहट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, एंड सनस्क्रीन शुड बी, सनस्क्रीन रहना चाहिए। अगेन एज डिपेंडेंट है स्किन केयर कि आप रेटिनॉल सीरम लगाएंगे, कि आप विटामिन सी सीरम लगाएंगे, कि आप कोई पिगमेंटेशन है तो आप उस चीज की ट्रीटमेंट का क्रीम लगाएंगे। और स्किन केयर के लिए मैं मल्टी विटामिन्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो बॉडी से ज्यादा होने पर एक्सक्रीट हो जाते हैं, विटामिन बी एंड सी। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आप इजीली ले सकते हैं, बहुत महंगे नहीं रहते, नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, आंवला एलोवेरा जूस, एक बैलेंस डाइट, आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। जब हम बाल की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बायोटिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे डाइट में अगर हम, प्रोटीन बहुत जरूरी है, 60 किलो के आदमी के लिए 80 ग्राम प्रोटीन हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। हमारी प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट है इंडिया में, उसमें प्रोटीन की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि हम ठीक से, जैसे अगर हमें वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बढ़ाना है, सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन चंक्स, सत्तू, पालक, पनीर, इन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए और बैलेंस डाइट बना के प्रोटीन का इंटेक लेना चाहिए। शैम्पूइंग 1 दिन छोड़ 1 दिन हो सकती है, लंबे बालों में शैम्पू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। अगर आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको पसीना आता है, तो आप रोज भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये भ्रांति है कि रोज बाल शैम्पू करने से खराब होते हैं, सही शैम्पू सही टाइम पे, उसके बाद यदि कंडीशनर आप यूज करेंगे तो बाल खराब नहीं होंगे। तेल हफ्ते में 1 या मैक्सिमम 2 बार बालों में लगाना चाहिए, रात को लगाएं सुबह धो लें, क्योंकि बाल की जब 3 से 5 मिलीमीटर जितनी छोटी हो, बाल इतना लंबा है, तेल लगा के बाहर घूमेंगे डस्ट एक्यूमुलेट होगा, बाल अपने आप उसके वजन से उखड़ जाएगा। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या सुधार हुए? देखिए मैडम, इसमें भी मेरे को थोड़ा सा प्लीज समय दीजिएगा, क्योंकि मैं आज तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पहले एक राजनीति का गढ़ माना जाता था, जहाँ अच्छे डॉक्टर्स, खासकर यंगस्टर्स जाना नहीं चाहते थे, काफी लड़ाई झगड़े होते थे, चुनाव को लेकर उठा पटक होती थी। मेरा एक वीडियो भी आया था जिसमें हम यही रोक रहे थे, और जबलपुर आपको जान के बड़ी खुशी होगी पूरे मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर्स है, बट कुछ हमारे जबलपुर के ही डॉक्टर जो पहले हमारे बीच ही बैठते थे, हमारे घरों में खाना खाते थे, हमारी तारीफ करते थे, वो अपना मानसिक संतुलन
डेवलप होने की वजह से जबलपुर के ही अगेंस्ट जाने लगे, जबलपुर के यंगस्टर्स को गाली बकने लगे। ऐसे माहौल में हम लोगों ने चुनाव लेके आईएमए की सफाई करी। जबलपुर में पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हमने नाम दिया ग्लोबल कॉन, जिसमें 10 अलग अलग देशों से लोगों ने आके अपना अपने शोध अपने पेपर प्रेजेंट करी। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। सेकेंडली 12,256 तारीख एक दिन में हमने ब्राह्मण महासभा पंडित समीर दीक्षित जी के साथ मिलकर देखे एक दिन के अंदर अंदर। थर्डली अभी हम एक लीगल एड कैंप करने जा रहे हैं जो अगले महीने होगा, हम आपको भी मैं उसमें इनवाइट करेंगे, जिसमें जितने लोग जेलों में बंद हैं जिनकी बेल तक नहीं हो पा रही है, जिन हमारे कैदियों की, उनकी हम बेल कराने जा रहे हैं। और आखिरी में अभी हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आईएमए की स्टेज से, जहां माता नर्मदा और पर्यावरण पे लगातार 25 घंटे गाना गाया गया, वो हमारे यहाँ के स्टाफ ने किया। तो अब आईएमए बदल चुका है। मेरे बाद के भी जो प्रेसिडेंट है अभी डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, वो भी स्कूल से मेरे छोटे भाई है, मेरे छोटे भाई की क्लास में थे, और अब यंगस्टर्स आईएमए को टेक ओवर कर रहे हैं, और आईएमए से अच्छे डॉक्टर जुड़ रहे हैं हमारे। इसके बाद के प्रेसिडेंट अभिजीत मुखर्जी सर बनने वाले हैं, जो बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। तो जो लोग पहले आईएमए से छिटकते थे क्योंकि उसमें ऐसे थोड़े विकृत लोग पहुंच चुके थे जो पूरे टाइम गाली गलौज करते थे, जिनके परिवार उनको छोड़ के चले गए थे, जिनकी शहर में कोई वैल्यू नहीं बची थी, उनको अलग करके अब हमने जो प्रैक्टिस में भी सक्सेसफुल है, जिनकी प्रैक्टिस भी चलती है, जो मेंटली स्टेबल है, ऐसे लोगों को हम आईएमए में लेके आए। बिल्कुल। नगर निगम ने जो भवन निर्माण और फायर जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको लेकर कुछ नियम उनके बने हुए हैं, तो हॉस्पिटल्स ने क्या कदम उठाए इनको लेकर? ये अगेन आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है कि फिर आपको मुझे समय देना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही दुखद एक घटना घटी थी जिसमें कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी, गंवानी पड़ी थी, और वो फायर एक्सीडेंट के कारण हुआ था। उसके बाद 150 अस्पतालों को नोटिस मिले थे और करीब 30 अस्पताल बंद हुए थे, और आईएमए जबलपुर और एमपीएनएचए जबलपुर ने प्रशासन का पूरी तरह साथ दिया था, मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी अस्पताल, मैडम मेरे को बताते हुए गर्व हो रहा है कि बिना फायर एनओसी के, जो प्रॉपर फायर एनओसी है, जिसको टेम्परेरी फायर एनओसी बोला जाता है, प्रोविजनल फायर एनओसी मतलब जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या पहली बार आपने फायर एनओसी के लिए अप्लाई किया तो प्रोविजनल मिलती है, फिर वो टेम्परेरी में कन्वर्ट होती है। फाइनल नाम इनने हटा दिया है इस डर से कि हम फाइनल किसी को देंगे नहीं, बट टेम्परेरी फायर एनओसी हर अस्पताल के पास है, जिसके पास नहीं है उसको सीएमएचओ ऑफिस ने दरकिनार कर दिया है। नगर निगम से बिल्डिंग परमिशन हर के पास है, नगर निगम ने आके चेक किया और हम डॉक्टर्स ने जो अस्पताल बंद हुए थे उनको खुलने के पहले सीएमएचओ साहब के साथ जाके उन हॉस्पिटल्स का सर्वेक्षण किया। जब हमने पाया कि ये बिल्कुल ठीक है तब उनको चालू कर दिया। सब में इमरजेंसी एग्जिट बना दी गई है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स रख दिए गए हैं और रेगुलरली हम इनको चेक करते रहते हैं। और इसमें मैं आपके मीडिया का भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी हमारे सामने कई ऐसी चीजें लाई जो हमारी कमियां थी जिनको अब हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपकी नजर में इसके बाद भी कोई ऐसी घटना आती है आप मेरे को बताइए, मैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। बिल्कुल। अक्सर देखने में आता है कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल की शॉप्स हैं तो वहीं से दवाइयां लेना जरूरी होता है, बाहर की दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता, ऐसा क्यों? मैडम ये भ्रांति है, ऐसा कहीं नहीं है। नियम के हिसाब से आप अंदर की और बाहर की कोई दवाई नहीं, परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब मरीज के पास दवाई का यदि बिल नहीं है या वो क्लियर नहीं है कि वो किस स्टॉकिस्ट से लेके आया। तो ड्रग कंट्रोलर के नियम के हिसाब से मैडम अगर मैं कोई इंजेक्शन अपने हॉस्पिटल में लगाता हूँ, उस हॉस्पिटल उस इंजेक्शन से कोई रिएक्शन होता है या उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुई है या वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, तो इसकी जिम्मेवारी मेरी है, मरीज की नहीं है। तो हम जब कई अस्पतालों में मरीज को बोलते हैं कि आप बिल प्रस्तुत करें या कहां से आप लेके आए ये प्रस्तुत करें और आप ये कंसेंट लिख के दें कि ये दवाई आप लेके आए हैं, इस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके आप भी भागीदार होंगे लगाने वाले, तो वो छिटक जाते हैं। वो बोलते हैं हम ऐसा क्यों करें, आप हमको फंसा रहे हो, अरे आप अपनी दवाई लगा दो और बाहर। हाँ, मगर आपका कहना बिल्कुल सही है, यदि कोई अस्पताल किसी भी मरीज को वहीं से दवाई खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। ऐसी घटना में आप सीएमएचओ साहब को भी सूचित कर सकते हैं, कलेक्टर साहब को भी सूचित कर सकते हैं, मुझे भी सूचित कर सकते हैं, इसको तुरंत सॉल्व किया जाएगा। बट इसके पहले एक बार हॉस्पिटल प्रशासन से बात करें, 90% लोग आपकी बातों का सलूशन दे देंगे, कोई हॉस्पिटल आपका नुकसान नहीं करना चाहता, सब अस्पताल वाले चाहते हैं मरीज जल्दी से जल्दी उत्तम और कम से कम दवाइयों में ठीक होकर घर चला। बिल्कुल। अक्सर सुनने में आया है कि आजकल हॉस्पिटल वाले खुद ही दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये कहां तक सही? मैडम देखिए, आपका अगेन आप इतने अच्छे सवाल पूछ रही हैं कि मेरे को समय आपसे मांगना ही पड़ता है कि वो है। देखिए मैम क्या है, अस्पताल ऐसा कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है।
ये हमारे सरकार की ही गलत पॉलिसी है। सरकार ने तीन चीजें चालू की वर्ष पे, खास ध्यान दीजिएगा। एक है लीज लाइसेंस और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है मैं जाके कई ऐसे क्लस्टर बने हुए हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हब्स हैं, बड्डी एक ऐसी जगह है, सिक्किम में कई यूनिट्स है, वहां जाके मैं लीज लाइसेंस लेके पूरी उस दवाई की फैक्ट्री का जो बैच बन रहा है उसको खरीद लेता हूँ, अपनी मर्जी की उस पर एमआरपी छपा देता हूँ, अपनी मर्जी की दवाई का उसको नाम कर देता हूँ। अब ये जो कंपनी ऐसी दवाइयां बना रहे हैं, ये कुछ अस्पतालों को लालच देते हैं कि आप सिर्फ हमारी दवाई चलाइए जो आपके सवाल से रिलेटेड है, कि वो दवाई फिर बाहर कहीं नहीं मिलेगी। तो नैतिक कोई भी डॉक्टर इस काम को नहीं कर रहा है। इक्का दुक्का लोग बिल्कुल हॉस्पिटल दवाई नहीं बना रहा है, ये लीज लाइसेंस वाली जो कंपनियां ये आके लालच देती है डॉक्टर को कि आपकी ये दवाई की एमआरपी इतनी है, 100 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस है, 1000 इसकी एमआरपी है, आप इस दवाई को लिखिए, ये बाहर कहीं मिलेगी भी नहीं। जो डॉक्टर ऐसा काम करते हैं उनके लिए सरकार ने खुद छूट देके रखी कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि एमआरपी पे कोई रोक नहीं है। ये बिल्कुल अनैतिक है बट ये इलीगल नहीं है। इसीलिए मरीज को जागरूक रहना जरूरी है, जहां उसको लगे कि हमारे दवाई की एमआरपी या ऐसी कुछ ज्यादा हो रही है वो बिल्कुल पता करे, बिल्कुल उस चीज को रिसर्च करे, और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एमपीएमएचए के पास भी आके कंप्लेंट करे। और अब मोदी जी ने जन औषधालय चालू कर दिए हैं, तो आपकी दवाई को लेके आप जन औषधालय जाके वहां से दवाई लें, कौन डॉक्टर मना कर सकता है कि मोदी जी की दवाई में नहीं लगाऊंगा। सभी मोदी जी के बहुत प्रशंसक हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं आप भी इनसे लाभ जरूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।